तो भाई मैं अंकित, आज है अपने पास बजाज की डोमिनर। इस डोमिनर में आपको दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं, एक आता है 400 करके, एक आता है 250 करके। आज हम 250 देखने वाले हैं। इस 250 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है लगभग 5 कलर ऑप्शन के साथ। जो जो कलर ऑप्शन मिलता है वो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो अपने को कुछ इस तरीके का हेड मिल जाता है भाई। इसका जो हेड है भाई काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, अगर आप मतलब इसका जब लाइट जलता है ना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस तरीके का अपने को वाइजर मिल जाता है, यहीं पे अपने को नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, इस तरीके का अपने को DRL मिल जाता है इसमें। बाकी यहाँ पे अपने को लो बीम हाई बीम का सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम बना रहा है इस बाइक को। और यहाँ पे अपने को इंडिकेटर मिल जाता है जो कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। ये वाला अपने को LED मिलता है। बाकी इसमें अपने को USD फॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है। और ये आप मडगार्ड देख लो, काफ़ी स्पोर्टियर बनाया गया है। मतलब फ्रंट से अगर आप इस बाइक को देखते हो तो काफ़ी मस्कुलर लगता है। और भाई इसका कर्व वेट 180 kg, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी ये बाइक है। बाकी इसमें अपने को फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिल जाता है, देख लो कितना बड़ा इसमें डिस्क दिया गया है। बाकी इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है ब्रेकिंग सिस्टम में। एलोइल की बात करें तो अपने को इस तरीके का एलोइल मिल जाता है भाई, अच्छा एलोइल, स्पोर्टियर एलोइल मिलता है भाई। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके फ्रंट में अपने को मिलता है भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये 100 है, ये 80 और 17 inch का एलोइल मिल जाता है। मतलब टायर प्रोफाइल भाई काफ़ी अपने को बड़ा मिल जाता है और काफ़ी चौड़ा मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको राइट से देखते हो ना तो इस तरीके की दिखती है डोमिनर 250, काफ़ी मस्कुलर लगता है भाई। अगर आप साइड से देखो, फ्रंट से देखो, रियर से देखो, हर जगह से काफ़ी मस्कुलर लगता है। इस तरीके का अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ पे अपने को ग्राफिक्स मिल जाती है, हर कलर में आपको अलग अलग ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फ्यूल टैंक पे डोमिनर लिखा गया है जो कि 3D है। और यहाँ पे अपने को इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है कार्बन फिनिशिंग, जो कि काफ़ी प्रीमियम बना रहा है इस बाइक को। बाकी इसमें अपने को क्रैश गार्ड मिल जाता है यहाँ पे। और यहीं पे आप देखोगे तो अपने को रेडिएटर का सिस्टम मिल जाता है, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल हॉर्न दिया गया इसमें। और यहाँ पे अपने को इंजन काउल कवर मिल जाता है इस तरीके का। इसका क्वालिटी भाई काफ़ी हेवी है, इससे इसका लुक भी काफ़ी बढ़िया हो जा रहा है, देख लो। और इसमें अपने को फुल्ली ब्लैक में इंजन मिल जाता है, इसमें 248.4 cc का इंजन मिल जाता है। यहाँ ये वाला ब्रेक वाला हो गया, ये राइडर के लिए, ये पिलियन के लिए। इस पर आपको रबर मिलता है, इस पर रबर आपको नहीं मिलता। बाकी इस तरीके का एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है भाई, जो कि ड्यूल बैरल है, देख लो ड्यूल बैरल इसमें मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट साउंड भाई काफ़ी हेवी मिलता है अपने को, मैं आगे चल के सुनाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देख लो 250 की बैजिंग मिल जाती है। और ये ड्यूल कलर में आप देख रहे हो तो ये ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रीमियम बना रहा है इस बाइक को। और यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो मडगार्ड भी दिया गया है इस बाइक में, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके रियर ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें 230 mm का डिस्क दिया गया है विथ ABS। इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है फ्रंट में भी रियर में भी। बाकी रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अपने को मिलता है 130/70 R17, मतलब ये वाला 130 है, ये वाला 70 और 17 inch का एलोइल मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको रियर से देखते हो ना भाई, इस तरीके की दिखती है डोमिनर 250। एक बार मैं आपको इसका टेल लाइट जला देता हूँ, देख लो इस तरीके की भाई टेल लाइट जलती है, मस्त लगता है भाई। इसमें अपने को फुल्ली LED सेटअप मिलता है, यहाँ पे अपने को स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है। और यहीं पे आप देखोगे तो इंडिकेटर मिलता है जो कि LED है भाई फुल्ली। और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाता है जो कि LED है। हर गाड़ियों में आप देखते हो कि हैलोजन मिलता है, लेकिन इसमें LED कंपनी ने दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर प्लेट माउंट मिलता है। बाकी इस तरीके का अपने को मडगार्ड मिल जाता है। और यहीं पे अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रिफ्लेक्टर इसमें आपको मतलब फ्रंट में तो देखने को नहीं मिलता, मगर यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी लेफ्ट से देखते हो तो इस तरीके की दिखती है भाई डोमिनर 250। जैसा उस साइड डिज़ाइन है वैसा ही अपने को इस साइड भी डिज़ाइन मिलता है। मस्कुलर फ्यूल टैंक देख लो, काफ़ी मस्कुलर बनाता है इस बाइक को। बाकी यहाँ पे अपने को डोमिनर की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का। और यहीं पे एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया गया, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। और यहीं पे आप देखोगे तो गियर वाला ऐसा मिल जाता है, 6 speed तक मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है इसमें। ये वाला राइडर के लिए, ये वाला पिलियन के लिए मैंने आपको दिखला दिया। बाकी इस तरीके का स्टैंड मिल जाता है, इसमें ड्यूल स्टैंड नहीं आता। और स्टैंड देखोगे ना काफ़ी प्रीमियम लगता है इसमें, एक एक दो दो चीज़ ऐसा यूज किया गया है, इससे बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है भाई। मतलब अदर गाड़ियों में आपको ऐसा स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा, इसमें ड्यूल स्टैंड नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सारी गार्ड मिल जाता है, लेकिन लेडीज़ के लिए फुटबैक वगैरह देखने को नहीं मिलता, इसमें फुटबैक वगैरह लेडीज़ के लिए नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सीट खोलने के लिए ये नोब मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो 250 की बैजिंग मिल जाती है। और इस साइड भी अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी इस तरीके का अपने को स्प्लिट सीट मिल जाता है। सीट की कुशनिंग भाई काफ़ी अपने को मस्त मिलती है, ये एक टूरिंग बाइक है तो सीट की कुशनिंग भाई काफ़ी मस्त दिया गया है, जिससे एक राइडर को काफ़ी कंफर्टेबल फील हो। और यहाँ पे आप देखोगे ना डोमिनर का मतलब ये लोगो एक तरह से यहाँ पे भी अपने को मिल जाता है। और इस तरीके की दिखती है भाई, देख लो काफ़ी मस्कुलर लगता है, इस पर बैठोगे ना भाई बहुत ही हेवी गाड़ी लगती है। और यहाँ पे अपने को टैंक पैड मिल जाता है भाई। और इस तरीके का अपने को मिरर मिल जाता है, मिरर का ये स्टैंड देखोगे ना काफ़ी प्रीमियम बनाता है भाई, मतलब काफ़ी प्रीमियम, ऐसा आपको अदर गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। देख लो फ्रंट से देखो स्टैंड को,
काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आपको मिरर मिलता है इसमें। ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है जैसे आप मतलब चाहो तो। बाकी इसके मीटर की बात करें तो अपने को इस तरीके का मीटर मिलता है। पहले मैं आपको इसका की दिखला देता हूँ कि इस तरीके का मिलता है भाई, छोटा सा की है लेकिन इस पर डोमिनर भी लिखा गया है, दोनों साइड डोमिनर मिलता है अपने को लिखा हुआ। बाकी इसका जो हैंडल है ना वो अपने को बिल्कुल ही सीधा मिलता है, जिससे आपको राइड करते टाइम काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पे अपने को पासिंग का बटन मिल जाता है, देख लो कितना अच्छा इसका थ्रो है हेडलाइट का, देख भाई चमक रहा है। यहाँ पे अपने को लो बीम हाई बीम मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न भाई काफ़ी अपने को लाउडली मिलता है, सिंगल ही हॉर्न इसमें है लेकिन काफ़ी लाउडली है। यहाँ पे अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिलता है, और यहाँ पे सेल्फ का बटन मिल जाता है। बाकी इस तरीके का अपने को मीटर कंसोल मिल जाता है फुल्ली डिजिटल में। यहाँ पे आप देखो तो ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे RPM, यहाँ पे टाइम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यही सब आपको बेसिक मिलता है। इसमें आपको गियर पोजीशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर भी दिए गए हैं जैसे न्यूट्रल, और मैं आपको बतलाता हूँ RPM लिमिट, ऐसे ऐसे आपको बेसिक फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह। बाकी इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, आप देख लो साइड स्टैंड का, ABS, बैटरी का, टेम्परेचर, माल फंक्शन, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत इंडिकेटर, यहाँ पे RPM लिमिट का भी लाइट मिलता है अपने को, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाता है। इसमें दो ट्रिप है और ऑडोमीटर, बस और कुछ नहीं है। माइलेज वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम भी दिया गया है, और यहीं पे ब्लैक की फिनिशिंग भी दी गई है। बाकी इसके रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, फ्रंट में USD फॉक्स मिलता है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि कंफर्टेबल है भाई अपने मतलब जैसे टूरिंग बाइक में यही सस्पेंशन होता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है आपके राइड को। अगर आप इसको मतलब जैसे सिटीज वगैरह में लेते हो चलाने के लिए, भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका कर्वेट बहुत ही ज़्यादा है, 180 kg है। तो आप जैसे आप टूरिंग के लिए ले रहे हो, आपको लॉन्ग राइड ज़्यादा करना है, तो ये उस टाइप के लिए गाड़ी बनी हुई है कि जैसे टूरिंग के लिए लेके चले जाओ, मतलब दूर दूर लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस पर आप थकोगे नहीं भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है ना काफ़ी अच्छा अपने को मिलता है। देख लो ज़्यादा आपको पीछे भी नहीं मिलता, ज़्यादा आगे भी नहीं मिलता, इसका जो पैर वाला है वो काफ़ी अपने को सही जगह मिलता है भाई। बाकी इसमें अपने को किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। बाकी बात करें डोमिनर 250 के इंजन की, तो इसमें अपने को 248.4 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि लिक्विड कूल्ड है, फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, जो कि मैक्सिमम 26.63 bhp का पावर और मैक्सिमम 23.5 nm का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब ये काफ़ी भाई पावरफुल बाइक हो जाती है, जैसे अगर आप चाहते हो इससे इनिशियल लेना तो भाई काफ़ी आराम से ये भागने वाली है। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है आपको जब आप इस पर राइड करोगे तो। बाकी इसके कुछ डायमेंशन की बात करें तो इसमें अपने को 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। बाकी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 157 mm का, जो कि ठीक ठाक है भाई, ऑफ रोडिंग ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, आप मतलब थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टच नहीं होगा। बाकी इसमें अपने को सीट हाइट मिलता है 800 mm का, जो कि वो भी ठीक है भाई, अगर आप थोड़ा छोटे हाइट के हो तो भाई आराम से नहीं मिलोगे। बाकी इस बाइक का टोटली कर्वेट है 180 kg, मतलब ये बाइक काफ़ी भारी है भाई, इसको सब लोग नहीं यूज कर सकते भाई। मेरे को ही वहाँ से लाना था, इसमें चाबी नहीं था, तो भाई ऐसे ही लाने में मेरा हालत ख़राब हो गया। बाकी इस पर मैं बैठ के देखता हूँ, मेरा हाइट 510 के अराउंड है, 800 mm अपने को सीट हाइट मिलता है, उससे मतलब ठीक ठाक है, मेरा थोड़ा सा पैर उठ रहा है। अगर आपका 5'5" है तो भाई आप नहीं चला सकते इस बाइक को। और इसका राइडिंग पोस्चर देख लो, इस तरीके का राइडिंग पोस्चर मिलता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है भाई। जैसे आप इससे 150-200 km भी आप एक बार में कवर करते हो तो मेरे हिसाब से थकोगे नहीं भाई, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोजीशन बनाया गया है वो राइडिंग के लिए बनाया गया है। बाकी इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं भाई, इसमें अपने को ड्यूल बैरल मिलता है, देख लो इस तरीके का ड्यूल बैरल मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं, और ये छोटा छोटा चीज़ आप देखोगे ना इस बाइक को काफ़ी प्रीमियम बनाता है, यहाँ पे अपने को लाइट मिल जाता है। बाकी अदर गाड़ियों में आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट नहीं मिलता, अभी तो ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा लेकिन रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है भाई। इस तरीके का अपने को एक जॉ साउंड मिल जाता है भाई, काफ़ी मस्त अपने को एक जॉ साउंड मिलता है भाई। तो मतलब इसका जो एक जॉ साउंड है ना काफ़ी हायर सेगमेंट की बाइकों जैसा मिलता है भाई। अगर आप इसको जैसे सिटी में बाय द वे यूज करते हो, इसका रोड प्रेजेंट इतना भयंकर है कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई। इसमें अपने को 400 वाला भी मिल जाता है लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है भाई, वो 2.5 lakh के अराउंड मिल देगा, लेकिन इसका एक शोरूम प्राइस 1,60,000 के अराउंड है। इसका प्राइस पहले जब लॉन्च हुआ था 1,80,000 था, लेकिन इधर बीच इसका प्राइस डाउन हो गया, 1,60,000 हो गया, मतलब ये ऑन रोड आपको 1,90,000 के अराउंड मिल जाएगी भाई हर सिटी में। तो यही था भाई डोमिनर 250 का पूरा डिटेल्स। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा बाबा बजाज मोटर को, अगर आप सासाराम या फिर रोहतास या फिर खासकर बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो आप इनके शोरूम में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
भाई आप इनके शोरूम में जरूर विजिट कर सकते हैं। मतलब बजाज की कोई भी गाड़ी आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको भर भर के स्टॉक मिल जाता है, जो कलर चाहिए, जो वेरियंट चाहिए, जो मॉडल चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इनके शोरूम में जरूर विजिट करें भाई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।